नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जैसे लापता हो गए हैं। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, जरूरी इंजेक्शन दवाओं के लिए भटकते लोग, लिक्विड ऑक्सीजन को लेकर चल रही मारामारी के बीच मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जैसे जनता को प्रभु के भरोसे छोड़ चुके हैं। लेकिन इसी बीच वो अचानक नजर आते हैं, लेकिन किसी अस्पताल का दौरा करते नहीं, बल्कि दमोह में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए। आप भी देखिए कोरोना काल में एमपी के हेल्थ मिनिस्टर कहां व्यस्त हैं। श्रीमती पूना बाई जो की सरपंच रही हुई है जलों के गांव में भी हम लोग का एक बड़ा कार्यक्रम था। उस मंच पर हमारे सांसद प्रिंस में थी गोस्वामी जी। जब हम प्रभारी मंत्री थे तो योजना समिति की अनेक बैठकों में कई विकास के कामों को अंजाम दिया और मंच पर उपस्थित और हमारे जो अभी रोहित जी जो मंडल अध्यक्ष है जिनके साथ में सुबह। प्रभु राम जी, क्या आपने प्रदेश की जनता को वाकई में प्रभु के भरोसे छोड़ दिया है? सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल जनता की जेब नहीं पूरी जमा पूंजी काटने में लगे हैं। लेकिन जब इस वक्त जनता को आपके महकमे की सबसे ज्यादा जरूरत है तो आप बजाय अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त करने यहाँ चुनावी रैली करने में मशगूल है। क्या ऐसे एमपी की जनता की सेहत ठीक होगी मंत्री जी? इंडिया फर्स्ट ऐसे तीखे सवाल पूछता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को अभी दबाएं।